वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और नवरात्रों में हमें तरह तरह का हम व्रत रखते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, तो हमें तरह तरह के ड्रिंक चाहिए। हमें हैवी भी नहीं खाना है और गर्मियाँ भी बहुत आ गई हैं। और फ्रेंड्स, एक और खुशी की बात है कि आज सेम डे पे ही नवरात्रे और रोज़े दोनों ही एक साथ शुरू हुए हैं। तो जो आज मैं ड्रिंक बनाने जा रही हूँ वो रोज़े में भी लिया जा सकता है। सहरी से पहले जो टाइम होता है, मैं तो ज़्यादा इतना जानती नहीं हूँ इस बारे में, बट मैं ये इतना जानती हूँ कि ये जो मैं ड्रिंक बनाने जा रही हूँ वो रोज़े में भी हम ले सकते हैं और व्रत में भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक ड्रिंक है ये। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। मैंने ये लिया है आम, मैंगो कट कर लिए हैं छोटे साइज़ में। ये दही ले लिया है। मुझे इसमें से 3 से 4 ग्लास ड्रिंक बनाना है, शेक जो बनाना है ये। और मैंने ये अखरोट और ये बादाम ओवरनाइट सोक कर लिया था। मिनिमम 4 घंटे तो आप रखेंगे ही सोक करके। किशमिश ले लिया है मैंने, और ये बनाना है, और ये एप्पल है, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मेरा है देसी खांड, और ये है मेरे टॉपिंग डेकोरेट करने के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है। और इसके साथ मैं डालूंगी गुलाब जल फ्लेवर के लिए। तो आइए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दही इस जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी के साथ मैं मैंगो पल्प जो है मैंने निकाला है, कट करे हैं जो मैंगो, ये भी डाल देती हूँ। और साथ में ये सारा सामान जितना भी है, ये मैं सिर्फ बनाना और ये डाल देती हूँ। ये इसमें से मैं थोड़ा बाद में डालूँगी, और ये मेरे डेकोरेशन के लिए होगा। साथ में ही मैं इसमें ये वाला स्पून जो है, मेरा बड़ा स्पून है, थोड़ा टीस्पून से बड़ा, इसमें मैं 4 स्पून ये देसी खंड डाल देती हूँ। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको ज़्यादा मीठा लेना है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें फ्रूट्स की मिठास भी है। अभी से हम क्या करना है, ये सब चीज़ें डाल दी हैं, अभी मैंने एप्पल और ये नहीं डाला है। उसके बाद में हम इसको मिक्सी में चलाते हैं। इसमें मैंने 1 स्पून रोज़ वाटर डाला है, आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। और साथ में डाला है मैंने इसमें 2 ग्लास पानी। और ये जो थोड़े से किशमिश मैंने लिए थे, आधे मैं इसमें डाल लेती हूँ, और आधे मैं इसमें डेकोरेशन के लिए रखूँगी ऊपर से। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है हमारा ड्रिंक, समर ड्रिंक। मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली है, आप चाहें तो इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। देखिए ये इसमें ये जो मैंने एप्पल कट किए थे, ये एप्पल डेकोरेशन के लिए डाल देती हूँ सभी में। ये देखिए ये किशमिश जो मैंने बचाई थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। मैंने किशमिश डाल दी है, अब मैं इसमें डालूंगी ये आलमंड्स, मैंने कुछ कट कर लिए थे। सभी ग्लासेस में कुछ मैंगो की फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो आप जितने मर्जी डाल सकते हैं इसमें। और ये मैं डाल रही हूँ कुछ ये क्या बोलते हैं, टूटी फ्रूटी जो होती है ये, लेकिन मैं सिर्फ ये बच्चों के ग्लासेस में डालूंगी। मेरा व्रत है और मैं थोड़ा परहेज करती हूँ बाहर की चीज़ों से व्रत वाले दिन,
तो पता नहीं कैसे कैसे हाथों से थोड़ी बनी होती है, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे तो अट्रैक्टिव चीज़ों को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये डाल दी है। देखिए ये ड्रिंक मेरा तैयार है, घर के चार मेंबर और चार मेंबरों के लिए अलग अलग ग्लास, और ये मेरा ग्लास है, ये व्रत का है इसलिए मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत ड्रिंक तैयार है हमारे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे।